वेलकम टू माय किचन रेसिपीज। आज मैं केक की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनती है, टेस्टी बनती है और बिना माइक्रोवेव ओवन के हम बना सकते हैं, उसे कोई भी बना सकता है। ये कंडेंस मिल्क और वेनिला से मैं बनाती हूँ, तो चीनी की भी इसमें आवश्यकता नहीं है, बिना शुगर के ये बन जाती है। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो जाता है इस तरह से। इसके लिए मैंने क्या किया, ये कढ़ाई और ये जाली हर किसी के पास होता है इस तरह से, तो इसको मैंने प्रीहीट होने के लिए लो फ्लेम पे रख दिया कवर लगा करके। ये देखिए इसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून बटर लिया है। आप मेजरमेंट इसका सही से करें, मतलब एकदम प्लेन जैसे रहे, एक चम्मच मतलब एक चम्मच ही रहे ये, इस तरह से आप इसका सही से एकदम ले। और सब कुछ ये हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, कोई भी बहुत ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। और जितने देर में हम इसे बनाएंगे तब तक ये कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी। इसके बाद इसमें 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ले लिया है और दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपको, 2-3 मिनट तक एकदम अच्छे से मिक्स होना चाहिए। थोड़ा सा कलर इसका लाइट हो जाएगा, फिर कोई लम्स अलग से नहीं होने चाहिए। जैसे देखिए कुछ इस तरह से एकदम अच्छे से आप मिला लें। इसके साथ ही इसमें हम 3/4 कप हमको मिल्क मेड लेना है, आप कोई भी ले सकते हैं, मिठाई मेड, मिल्क मेड। तो ये 1/2 कप का हमारे पास ये जो मेजरिंग है, तो इसमें 1/2 कप मैंने पहले डाला और फिर उसका 1/2 मैं लूँगी, तो ये 3/4 कप हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 400 ग्राम्स का आता है मिल्क मेड, तो आप इसका आधा लेंगे 200 ग्राम्स तब भी वो उतना ही मेजरिंग होगा। तो आप ऐसे भी करके ले सकते हैं, इसका आधा आप इसको इसमें डालना है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसे भी हमें फिर से 2 मिनट तक मिलाना है कि इसमें बटर तेल है जो हमारा, ये पूरे मिल्क मेड में हमारा मिल जाए अच्छे से। मिलने के बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून विनेगर डाल देंगे। विनेगर डालने से ये ड्राई नहीं होता है। और 1/2 कप ये हमारा दूध है, इसे फिर से हम 2-3 मिनट अच्छे से मिला लेंगे, सब एक साथ बाइंड हो जाना चाहिए। इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, केक पैन जो हमारा है उसमें हम पहले बटर ग्रीस करते हैं, उसके बाद ये हमारे पास पेपर रहता है ना, बटर पेपर, उसको डाल के फिर से इसके ऊपर इस तरह से लगा दें, इससे केक निकलने में आसान होती है। अब एक अलग बाउल लेते हैं, उसमें ये हम छन्नी से 1 कप और फिर ये 1/4 कप है मैदा, इसमें ले लिया 1.5 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और इसे हम इस तरह से छान लेंगे। ध्यान रहे बेकिंग पाउडर ज़्यादा लगता है और बेकिंग सोडा कम डालना है। अब इसका ये जो मैदा है हमारा, इस मिक्सचर में हम धीरे धीरे मिलाएंगे। अच्छे से आप इसको मिला लें, ये थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसमें थोड़ा सा दूध और कुछ 2-3-4 चम्मच डाल देते हैं। बैटर इसका परफेक्ट इस तरह से होना चाहिए, सेमी थिक, ना बहुत गाढ़ी ना बहुत पतली। 1 चम्मच वेनिला एसेंस डाल देते हैं, इसे भी मिला लेते हैं वेनिला एसेंस को। आपका बैटर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी जो आप देखिए इस तरह से कुछ हो, ना पतली ना गाढ़ी। ये हमारा रेडी हो गया है बैटर। अब ये जो हमारा केक पैन है उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये बिना अंडे की बनी है तो इसे हर कोई खा भी सकते हैं और एकदम बिना अंडे के परफेक्ट बनती है। इसको इस तरह से टैप कर लें आप, ताकि जो अंदर एयर है वो निकल जाए। और इसमें कुछ हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ काजू और अखरोट लिया है।
ये देखिए हमारा कढ़ाही एकदम गर्म है, इससे थोड़ी स्मेल आएगी जब ये गर्म होगी, तो आप ये ध्यान रखें कि ये पूरा गर्म होना चाहिए। और ये केक डाल दिया है, शुरुआत में थोड़ा मीडियम फ्लेम, फिर फ्लेम को आप कम कर दें। इस तरह से इसको कवर करके हमें पकाना है 35 से 40 मिनट में ये हो जाएगा। केक एकदम रेडी हो गया, सॉफ्ट होगा ये बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से पका हुआ है, ये कलर एकदम बढ़िया आया है। इसको हटा लें, आपको चेक करना है, देखिए एकदम सॉफ्ट है, ये चेक करना है कि ये सही से पका है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टूथपिक लेते हैं और ऐसे करके आप देख लें एक बार। ये देखिए टूथपिक में कुछ भी नहीं आया, मतलब ये केक परफेक्टली कुक है। अब इसको पूरा ठंडा होने दें, तब हम इसको इसमें से निकालेंगे। ये देखिए ठंडा हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं। ठंडा होने पर भी एकदम सॉफ्ट है। इस तरह से चाकू की सहायता से आप इसको किनारे हटाएं और ऐसे कर ले, देखिए एकदम आसानी से निकल जाती है ये। और ये देखिए ये एकदम परफेक्ट केक बना है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये एकदम सॉफ्ट है, आपको पता चलेगा कटते समय कि एकदम सॉफ्ट बनी हुई है ये, बहुत ही डिलीशियस है ये। आप ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।